एक्स क्यूब के पावर होल स्क्वायर हमको क्या करना है, प्रूव करना कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमको प्रूव करना। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूव कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास देखिए आर वन का हो जाएगा, आर वन और ए हो गया आर वन, आर टू और आर थ्री। तो हम लोग क्या करते हैं कि आर वन में, आर वन में अगर चेंजिंग कर देंगे, देखिए क्या करेंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस का आर थ्री हम लोग करेंगे कि आर वन में आर टू प्लस आर थ्री हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, वन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल जाएगा, जो कि सब में कॉमन बनेगा। तो हम लोग देखेंगे आर वन में चेंजिंग कर रहे हैं, तो आइए हम लोग देखिए आर वन डेल्टा इक्वल टू लिख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम चेंजिंग करेंगे हो जाएगा एक्स, वही हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी वही हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, इसमें देखिए जो जो करते हैं वैसे लिख देंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर दिया गया एक्स एक्स स्क्वायर वन, अगर देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब में अगर कॉमन देखिए तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सब में कॉमन है, हम लोग क्या करेंगे आर वन से वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो हो जाएगा मेरे पास वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा वन वन वन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वन, एक्स आ जाएगा इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू वन आ जाएगा, मेरे पास कॉमन निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो हमको निकालना प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करने में हम तो आप लोग बताते हैं कि हिंट होता है इसका कि वन माइनस एक्स क्यूब को का होल स्क्वायर है। अगर हम लोग देखे तो देखो एक क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, एक कोष्टक में होता है एक एक वर्ग मतलब वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स का क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग लगा देते हैं होल स्क्वायर। अगर मेरे पास एक हम लोग इसको प्रूव कर दे, इसके जगह इतना आ जाएगा हम लोग इसको इसकी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए वाला लिख सकते हैं वैल्यू। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे सी वन में से सी टू, अब ऑपरेशन क्या करेंगे सी वन माइनस सी टू, उसके बाद सी टू में चेंजिंग करेंगे क्या करेंगे सी टू माइनस का सी थ्री। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ वो वनिष्ठ हम लोग कॉमन लिए थे वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ देखे हम लोग क्या करेंगे सी वन से सी टू घटा रहे हैं, तो मेरे पास सी वन वाला कलम वन है, वन में से वन गए जीरो देखिए यहाँ पर हो गया, और एक्स स्क्वायर से वन घटाएंगे तो वन माइनस एक्स, हम लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले ही आ जाएगा वन माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा एक्स का वन माइनस का एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वन से वन गए फ्रेंड्स से जीरो आ जाएगा, अब मेरे पास अब देखिए वन माइनस एक्स घटाएंगे तो वन माइनस का एक्स हो जाएगा, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब तीसरा जो है कोई चेंज नहीं करेंगे, वन एक्स वन को जीरो करते हम लोग लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो वर्गांतर का सूत्र बन रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर है ना। अब देखिए वर्गांतर सूत्र क्या बनेगा, जीरो जीरो वन, ये बनेगा मेरे पास एक कोष्टक में आएगा मेरे पास माइनस वन माइनस एक्स, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं वन प्लस का एक्स, और इसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स, इसको एक्स वैसे जो करते हो, अब इसको लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स, तो जैसे वैसे आने देते हैं इसको हम देखो वर्गांतर सूत्र बना देते हैं, बनेगा वन प्लस एक्स और बनेगा वन माइनस का एक्स, और यहाँ पे वन दिया ऊपर। अगर देखे दोस्तों कि कॉलम नंबर वन में कॉलम वन में वन माइनस एक्स मिल रहा है और कॉलम सेकंड में वन माइनस एक्स, इसका मतलब क्या कॉमन निकाल लेते हैं हम, दोनों में वन माइनस एक्स वन माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स पहले का, जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा वन वन माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा जीरो जीरो वन, अब यहाँ पर क्या बचेगा वन माइनस एक्स बचेगा माइनस का वन प्लस एक्स, अब मेरे पास यहाँ बचा के यहाँ पर क्या बचेगा वन माइनस एक्स कॉमन लेंगे वन बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, इसमें से कॉमन लेंगे बचेगा एक्स, और यहाँ से कॉमन लेंगे बचेगा वन प्लस का एक्स बच जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा। अब ये क्या करें आर वन के अंतरिक्ष हम लोग इसका प्रसरण कर देते हैं, क्या लिखेंगे उसके बाद स्टेप हम लोग आगे वाले में चलते हैं। आर वन के अनुदिश आर वन के अनुसार या आर वन के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, प्रसरण कर देते हैं, और आर वन के लिए प्रसरण करेंगे क्या बचेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं मेरे पास क्या पहले का था वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पहले का, और बाद में हम लोगों ने कॉमन निकाला वन माइनस एक्स निकाले हैं। अब देखिए उसके बाद जो हम लोग अनुदिश का प्रसरण करेंगे क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग करेंगे वन के लिए करें ना वन के लिए निकालेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा एक्स का गुणा, दोस्तों वन में करेंगे तो एक्स का जब भी मल्टीप्लाई वन में हो जाएगा माइनस का एक्स बनेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग
वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का एक्स, जब हम लोग घटाएंगे क्या बचेगा यहाँ पे, तो वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ये बचेगा मेरे पास। अब मेरे पास ये भी एक देखिए पहले का था, क्या था मेरे पास पहले का, यहाँ पर लिख देते हैं वन प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और मेरे पास एक था वन माइनस एक्स। अगर हम लोग देखें इसको क्या सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा क्या मेरे पास वन माइनस एक्स आएगा, और एक क्वेश्चन में आएगा वन प्लस एक्स प्लस का एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर इतने के देखा जाए तो अगर हम लोग जो अभी निकाले थे इसको हम लोग किसके बराबर लिखे थे, यहाँ पर अगर देखो तो इसके बराबर हमने निकाला था ए वन माइनस एक्स का क्यूब बटे का होल, तो इसको लिख सकते हैं इसके बराबर वन माइनस एक्स पावर तीन का वर्ग निकाल सकते हैं। जो अगर देखो हमको जो प्रूफ्ड करना था, प्रूफ्ड अगर हमको जो हमको निकालना था, देखिए हमारे पास जो आंसर प्रूफ्ड करना था हमारे पास प्रूफ्ड लिख सकते हैं हम लोग, हेंस प्रूफ्ड जो प्रूफ्ड करना था मेरे पास सीवन में आ गया। सीवन में अगर देखा जाए तो हमको इसको बाहर निकालें, अगर हम लोग सीवन में सीवन माइनस का बी सी थ्री कर दे, क्या कर दे हम इसमें बी का और मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर घटाएंगे तो मेरे पास मिल जाएगा ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, जो हम लोग सब में से कामन बना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सब में से मिलकर क्या हो जाएगा कामन हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट लगाएंगे, क्या करेंगे सीवन में, सीवन में क्या करेंगे सीवन माइनस का बी सी थ्री, और उसके बाद क्या लगाएंगे सी टू में, सी टू में क्या चेंजिंग करेंगे सी टू में हम लोग चेंजिंग करते सी टू प्लस का, अगर सी टू वाले में क्या करेंगे प्लस ए सी थ्री, ए सी थ्री सी टू वाले में देखिए यार सी टू इसको बोलते हैं ए सी थ्री, इसमें हम लोग ए का गुणा करेंगे टू ए भी हो जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग करेंगे देखिए ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर बन जाएगा, जब घटाएंगे तो ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको बन जाएगा, और इसमें भी वही प्रकार से बन सकता है यहाँ पर भी आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, देखिए हम लोग क्या करें सी वन माइनस बी सी थ्री, तो हम लोग इसमें अगर थोड़ा सरफकार करें सी वन देखिए यहाँ पे वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें बी के गुणा करेंगे आप हम लोग तो टू बी स्क्वायर हो जाएगा, टू बी स्क्वायर मास में प्लस बन जाएगा, प्लस जब घटाएंगे तो आ जाएगा वन स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए वन प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, कैसे कैसे आया है दोस्तों, हम लोग क्या किए इसमें बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसे ऐड करें, ऐड करने के बाद देखिए इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास आएगा वन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वही काम हम लोग सी वन में करें, इसमें करेंगे टू टू ए बी, और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू ए बी मिलकर जीरो आ जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका बी का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बी माइनस ए बी ए स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ टू बी सब में बी बी दिख रहेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसमें से कामन निकाल लेते हैं, क्या कामन निकालेंगे बी कामन निकालेंगे, तो बी जब कामन निकालेंगे बचेगा कोष्टक में वन प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे अब देखिए सी टू में चेंजिंग करें, सी टू में क्या करेंगे ए सी थ्री, सी थ्री में एक गुणा करेंगे टू टू ए बी माइनस टू ए बी हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें गुणा करेंगे ए का तो ए स्क्वायर बन जाएगा, जब इसको हम निकालेंगे यहाँ से क्या आएगा वन प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा, और यहाँ से क्या आएगा देखिए माइनस का टू है, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सी थ्री में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, सब में जब ए का मल्टीप्लाई करेंगे कामन निकाल लेंगे, निकालने पर बनेगा वन प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास माइनस का टू बी टू ए, और बचेगा वन माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर। जो प्रूफ करना अगर हम लोग देखिए इसमें तो क्या यहाँ पर देखिए अब इसमें से निकाल सकते हैं हम लोग डेल्टा कामन, क्या निकालेंगे कामन ए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी वन से और सी टू से कामन निकाल लिखेंगे, सी वन व सी टू से उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर उभयनिष्ठ लेने पर, जब हम लोग इसका उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बनेगा देखिए तो वन प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हम लोग क्या निकालें कामन निकाल, यहाँ बचेगा मेरे पास वन जीरो बी बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा जीरो वन ए बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास माइनस का टू ए माइनस का टू बी टू ए वन माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यहाँ पर मेरे पास बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ डेल्टा लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखिए कि अगर क्या कर दे अब यहाँ पर तो आ गया अगर हमको सॉरी यहाँ पर देखिए इसका एक निकल के आएगा और इसका एक निकल के यहाँ पर होल स्क्वायर निकल के आएगा। अब हम लोग क्या कर दे अगर हम आर वन में अगर आर थ्री में चेंजिंग किया अगर इसमें आर थ्री में हमको दिखाना है अगर आर थ्री में हम लोग क्या कर दें कि आर थ्री प्लस का ए आर थ्री
ए आर टू में ए का गुणा कर दें और माइनस का बी आर में घटा दें, तो हम लोग लिखते क्या है आर थ्री में चेंजिंग करेंगे, आर थ्री में क्या ऐड करेंगे, आर थ्री प्लस क्या कर देते ए आर टू, आर टू वाले में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का क्या करेंगे बी आर वन, और ऑपरेशन किस में लगाएंगे आर थ्री में हम लोग ऐड करेंगे। तो देखिए आर थ्री जब हम लोग ऐड करते क्या मिलेगा मेरे पास, आर थ्री का जो कॉलम है देखिए आर थ्री हो जाएगा, तो आर थ्री में हम क्या करेंगे आर थ्री प्लस ए आर टू माइनस का बी आर वन। अब मेरे पास जैसा 100 यहाँ पर जो कॉमन लिए थे हम लोग लिख लेते हैं, 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाले थे का होल स्क्वायर। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 1010 माइनस का 2 भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो कहते हो लिखेंगे 01 भी कोई चेंजिंग नहीं होगा 01, और यहाँ पर आएगा मेरे पास 2A। अब जो चेंज हो जाएगा जो चेंजिंग हम लोग करेंगे इसमें चेंज करेंगे क्या बन जाएगा, अब इसमें आर थ्री में मेरे पास देखिए आर थ्री क्या आ जाएगा बी और ए आर टू, मतलब कि आर टू में एक गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, बी में 0 जुड़ेंगे 0, और उसके बाद क्या करेंगे माइनस का बी आर वन, आर वन में हम बी का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस का बी हो जाए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 0। अब उसी प्रकार से अब इसका करेंगे ए के और हम लोग ए का मल्टीप्लाई इसमें ए ए मिल के अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा ए, अब इसमें मल्टीप्लाई करें बी का तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस ए बराबर फिर 0 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग इसका निकालते हैं, जब इसका निकालेंगे क्या बचेगा देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे पास आर थ्री हो गया प्लस ए आर टू, इसमें गुणा करके किसका करेंगे ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस देखिए दोस्तों माइनस का बी आर वन हम लोग क्या करेंगे आर वन में आर वन वाले में इसमें किसका गुणा करेंगे इसमें बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b है और बी का गुणा 2b स्क्वायर माइनस यहाँ भी माइनस में प्लस का हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। देखिए अब लोग यहाँ से निकल के आएगा ए स्क्वायर से देखिए स्क्वायर घटाएंगे तो 1 प्लस के ए स्क्वायर आ जाएगा, अब माइनस का बी स्क्वायर जब ए वाला घटाएंगे प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब जो यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए अब इसमें से अगर हम लोग अंतिश निकाल दे क्या करेंगे कि C1 का प्रसरण कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको लिख लेते हैं 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए C1 के अंतिश कर रहे हैं लिखेंगे C1 के प्रसरण करने पर प्रसरण तो क्या हो जाएगा देखिए जब हम करेंगे इसका प्रसरण क्या हो जाएगा इसके अंतिश निकाल लें तो 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1 एक कट गया ए मेरे पास कटा एक कटा बचा क्या इसका मल्टीप्लाई हम लोग दोस्तों इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0 निकल के आएगा। हम लोग इसके बाद देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसके में मल्टीप्लाई यही आएगा। अब यहाँ से और एक यहाँ पर निकलेगा बच गया मेरे पास 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो पहले का था होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक ए आ गया मेरे पास 2 घाते था एक घाते मिलकर 3 घात हो जाएगा जो मुझे प्रूव करना था तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल क्यूब मेरे पास जो निकल के जो प्रूव करना था यहाँ पर देखिए हम लोग को निकाला था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी हम लोग LHS लेके चले हैं और RHS की वैल्यू प्रूव हो गया। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था दोस्तों।